दोस्तों किसी भी पार्टी के लिए किसी भी चुनाव प्रचार के लिए इस तरह का चुनावी पोस्टर बनाना चाहते हैं मोबाइल से ही तो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं तो पहले क्या करेंगे प्ले स्टोर पे जाके जो पोस्टर बनाने वाला मेकर है ऐप है चुनाव प्रचार का उसको डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है डिफॉल्ट का ऑप्शन तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे आपको ऊपर थ्री डॉट का ऑप्शन मिलेगा आपको इस पर क्लिक करना है यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे होंगे इमेज साइज तो यहाँ पर आपको इमेज साइज मिलता है तो आपको जाना है इमेज साइज़ पे और यहाँ से एडिट करके इसका इमेज साइज चेंज कर देना है तो क्या आप इमेज साइज रखना चाहते हैं जैसे मान लीजिए हम इसको एडिट कर लेते हैं एडिट करके रख सकते हैं मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से रखा यहाँ से ओके अब आपको क्या करना है यहाँ से नीचे फोर्थ नंबर है यहाँ पर फोर्थ नंबर पर जाएंगे अब आपको यहाँ पर ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन मिल जाता है नीचे यहाँ पर बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट कर देना है इसके बाद दोस्तों क्या करना है यहाँ पर न्यू टेस्ट है जैसे कि यहाँ पर पहले हम टेस्ट पर सिलेट करेंगे आ गया न्यू टेस्ट ऊपर डिलीट का ऑप्शन है पहले डिलीट कर लेंगे अब आपको क्या करना है अगर आप पहले बैकग्राउंड बनाना चाहते हैं तो नीचे कलर का ऑप्शन है कलर ऑप्शन पर जा सकते हैं पहले टेस्ट लिखना चाहते हैं तो ऊपर आपको प्लस का आइकॉन है आप न्यू टेस्ट ले सकते हैं तो क्या करेंगे क्या आप रखना चाहते हैं इमेज रखना चाहते हैं तो जैसे कि यहाँ से प्लस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर न्यू टेस्ट भी मिल जाता है आपको स्टिकर भी मिल जाता है और यहाँ पर करेंट डेट मतलब आज का तारीख क्या है वो भी मिल जाता है और यहाँ पर सेफ मिल जाता है फॉर्म गैलरी भी मिल जाता है तो सारा काम फ्राम गैलरी से होता है तो यहाँ से फ्राम गैलरी है फ्राम गैलरी में जाएंगे जो भी पी एन जी मेज है बैकग्राउंड है मतलब कोई भी चीज़ हो आप फ्राम गैलरी से आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं टेस्ट लिखने के लिए आपको ऊपर टेस्ट मिलेगा आप न्यू टेस्ट ले सकते हैं तो चलिए पहले हम फ्रॉम गैलरी से जो हमारा पी एन जी इमेज हमने सेव किया है उसको हम सेलेक्ट करते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर जो स्लोगन टेस्ट है पहले से लिख के सेव किया था न्यू टेस्ट लेके आप अलग अलग स्लोगन टेस्ट कुछ इस तरह से लिख सकते हैं अलग अलग फॉन्ट चेंज करके अब हम नीचे जो थर्ड नंबर है यहाँ पर आपको थर्ड नंबर मिलेगा आपको इस पर क्लिक करना है स्कोल करके आना है तो आपको क्या मिल जाता है यहाँ पर दोस्तों रिलेटिव साइज यहाँ पर देख पा लूँगी तो रिलेटिव साइज पे जाना है इसको हंड्रेड कर देना है जो टेस्ट है यहाँ से ओके करना है इसके बाद आपको इमेजेस भी सेव करना है तो इमेज सेव करने के लिए आपको वापस प्लस पे जाना है फॉर्म गले में जाना है फॉर्म गले से जैसे कि मान लीजिए जो पार्टी के कैंडिडेट हैं नेता है हमने एक ही बार सेव किया था आपको क्रोप करके यहाँ से ओके करना है अब इमेज को ऊपर फिट करना चाहते हैं तो मान टेस्ट अगर आपका अच्छे से फिट नहीं है तो पहले इस इमेज को साइड में कर लीजिए टेस्ट पर सिलेक्ट करिए टेस्ट को आप छोटा भी कर सकते हैं अब देख लीजिए यहाँ पर छोटा हो गया अब हम इसको नीचे कर लेंगे यहाँ पर नीचे करने बाद इस इमेज पर सिलेक्ट करेंगे और इस इमेज को हम यहाँ पर फिट कर लेंगे ये हमारा हो गया अब नेक्स्ट इमेज इसी तरह से जो पार्टी का लोगो इमेज है दोस्तों यहाँ पर मैंने दो लोगो इमेज रखा है तो यहाँ से पार्टी का लोगो इमेज हम छोटा बड़ा करेंगे साइड में यहाँ पर सबसे ऊपर फिट कर लेंगे ये हमारा हो गया अब हम नेक्स्ट इमेज इसी तरह से सिलेक्ट करेंगे जैसे कि यहाँ पर जितने सारे इमेजेस आप रखना चाहते हैं दोस्तों होम गैलरी से जाके आपको सिलेक्ट करना है छोटा बड़ा करना है जैसे कि हमारा हो गया और इस इमेज को हम यहाँ पर रख लेंगे थोड़ा सा नीचे करके या यहाँ से हम बड़ा करके इस तरह से देख पा होंगे अब जो अगला पी एन जी इमेज रहेगा जैसे कि यहाँ पर पार्टी का लोगो इमेज या कोई और कैंडिडेट है नेता है तो हम यहाँ से सभी इमेज इसी तरह से सिलेक्ट करेंगे इमेज को छोटा बड़ा करेंगे यहाँ पर हम पहले रखेंगे और जो आखिरी इमेज हमारा रहेगा जैसे कि यहाँ पर दिनेश लाल यादव जी का हम इस इमेज को भी क्रॉप कर लेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर छोटा बड़ा करके इस इमेज को यहाँ पर रख लेंगे थोड़ा और छोटा रखना चाहते हैं रख सकते हैं अब आता है बैकग्राउंड तो आपने यहाँ पर सभी टेस्ट सेव कर लिया इमेजेस सेव कर लिया तो बैकग्राउंड बनाने के लिए नीचे फोर्थ रोड पे जाएंगे यहाँ पर दोस्तों कलर का ऑप्शन मिल जाता है देख पा रहे होंगे कलर का ऑप्शन है तो आप सिंपली कलर वाले ऑप्शन पर चले जाएँगे यहाँ से कोई एक कलर इस तरह से सेलेक्ट कर सकते जैसे देख सकते हैं आपका इस तरह से भी सेव हो जाता है नीचे ग्रेडियंट में भी आपका सेव हो जाता है पहले हम बॉर्डर के लिए एक पीएनजी मतलब एक इमेज सेलेक्ट करेंगे जैसे मान लीजिए हमने व्हाइट कलर रख लिया यहाँ से ओके उसके बाद दोस्तों प्लस पे क्लिक करेंगे यहाँ से सेफ वाले ऑप्शन पे जाएंगे एक सेफ लेंगे पहले कुछ इस तरह से रखेंगे यहाँ से इसको बड़ा करेंगे और नीचे लाकर भी हम यहाँ से बड़ा करेंगे अब हम नीचे जाएंगे ग्रेडियंट कलर में ग्रेडियंट में जाके हम कुछ इस तरह का कलर दो कलर में हम सेलेक्ट करेंगे जिस पार्टी के लिए बनाएंगे उस पार्टी का आपको बैकग्राउंड बना लेना है जैसे मैंने यहाँ पर सेव किया है यहाँ से होके अब आपका इस तरह से आता है तो इसको क्या करेंगे नीचे ठर नंबर पे जाएंगे यहाँ से स्क्रॉल करके आएंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाता है टू बैक का यहाँ पर देख पा रहे होंगे टू बैक है तो टू बैक वाले ऑप्शन पे जाएंगे टू बैक हो जाता है अब आपको क्या करना है इसमें जो टेस्ट है या इमेज है अच्छे से फिट करना है तो जैसे कि यहाँ पर जैसे माली इमेज है इस इमेज को हम थोड़ा सा साइड में करेंगे ऊपर जो लोगो इमेज है इसको भी थोड़ा सा साइड में करेंगे और ये जो इमेज है इसको भी थोड़ा सा साइड में हम इस तरह से कर लेंगे हमारा हो गया तो यहाँ पर दोस्तों पोस्टर बैनर आसानी से बनकर तैयार हो गया हमारा चुनाव प्रचार का अब हम इसको सेव कैसे करते हैं शेयर कैसे करते हैं तो ऊपर आपको सेव का ऑप्शन मिलता है सेव एज इमेज मिलता है यहाँ से आप देख सकते हैं सभी सोशल मीडिया का लोगो मिल जाता है आप जाके शेयर भी कर सकते हैं नीचे यहाँ पर शेयर का ऑप्शन है जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका सोशल मीडिया का मतलब खुल के आ जाएगा ओपन होके आप डायरेक्टली सोशल मीडिया पर शेयर भी कर सकते हैं तो इसको हम सेव करेंगे तो सेव टू गैलरी कर देंगे कैलरी में सेव हो जाएगा जय हिंद जय जै भारत वंदे मातरम